सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों सिम कार्ड्स तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये सिम कार्ड्स काम कैसे करते हैं? कैसे सिम कार्ड्स के मदद से आपके सर्विस प्रोवाइडर्स आपके आइडेंटिटी को पता लगाते हैं? आज हम इन्हीं सिम कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को डिजिटल्स पे, आइए जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिम कार्ड का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड। अब सिम कार्ड्स अलग अलग साइजेस के होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि मिनी, माइक्रो, नैनो। लेकिन वहां पे एक एरिया होती है जहां पे इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव होती है। अब सवाल ये है कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कैसे पता लगाते हैं कि आप ही वही इंसान हो या फिर आप ही वो सिम कार्ड को ओन करते हो? उनको कैसे पता चलेगा ये? जब एक नया सिम आप खरीदते हो तो वो कैसे पता लगाते हैं? दोस्तों यहां पे देखिए, सिम कार्ड के अंदर एक IMSI नंबर होता है, मतलब कि सिम कार्ड में एक IMSI नंबर स्टोर होती है जो कि 64 बिट का वो नंबर होता है। तो वो IMSI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो ये जो IMSI नंबर होता है इससे जुड़ी हुई एक की होती है। तो जब भी आप एक नया सिम को डालते हो अपने मोबाइल फोन पे, तो ये जो की होती है ये जाती है सेलुलर प्रोवाइडर के पास। तो वो जो सेलुलर प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक रेंडम नंबर को वो पिक करते हैं अपने ओर से, और वो की के साथ मिलाकर एक रेस्पॉन्स नंबर को वो जनरेट करते हैं। फिर वो रेंडम नंबर को आपके मोबाइल फोन में भेजा जाता है, फिर वो रैंडम नंबर और जो की होती है उसको सेम कैलकुलेशंस के जरिए इस्तेमाल करके अगर रेस्पॉन्स नंबर सेम जनरेट होता है, मतलब कि मैच होता है जो कि सेलुलर प्रोवाइडर ने वहां पे जनरेट किया था, उसका मतलब वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे वो सेलुलर टावर के साथ वो कनेक्ट करवा देते हैं आपके साथ। तो इसी से ही वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ही वही इंसान हो जो कि वो सिम कार्ड को यहां पे इस्तेमाल कर रहे हो और ओनर हो आप। यहां पे सिम कार्ड्स में मेमोरी भी होती है, थोड़ी बहुत मेमोरी होती है जहां पे वो कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं, मैसेजेस को सेव कर सकते हैं। अगर मैं पहले जमाने की बात करूं तो वहां पे हम मोबाइल फोन में वहां पे अपने सिम कार्ड्स में सेव करते थे वो नंबर्स को और मैसेजेस को। लेकिन आजकल तो क्लाउड स्टोरेजेस हो चुके हैं जहां पे हम जीमेल सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, अलग अलग क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जमाने में यहां पे हम स्टोर कर सकते थे सिम कार्ड्स में। आज भी ये पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि यहां पे क्लाउड स्टोरेजेस यहां पे मौजूद है तो हम आजकल सिम कार्ड्स में इस चीज को सेव नहीं कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों आप अगर देखोगे सिम कार्ड में एक लंबा सा नंबर वहां पे होता है, इसको हम बोलते हैं ICC ID। ICC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर। इसका मतलब होता है वो ये पता लगाता है कि वो जो सिम कार्ड है वो वैलिड है कि नहीं। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि असाइन होता है सिम कार्ड्स में। यहां पे दोस्तों हम यहां पे चलते हैं इस चीज पर बात करते हैं कि क्या सिम कार्ड्स को यहां पे डुप्लीकेट किया जा सकता है, मतलब क्लोनिंग किया जा सकता है क्या? तो यहां पे सिम कार्ड्स को देखिए डुप्लीकेट किया जा सकता है। यहां पे दोस्तों होता क्या है, वो सिम कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन ही स्टोर होती है। वो इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी ब्लैंक सिम कार्ड पे वहां पे डाल देंगे तो वहां पे वो बहुत आसानी से वही सेम इंफॉर्मेशन एक सिम कार्ड पे चलाएगा और वहां पे हम इस चीज को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये इलीगल है। अगर आप अपने ओर से यहां पे डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हो सिम कार्ड को तो वो इलीगल है। लेकिन अगर आप ऑपरेटर के थ्रू करते हो, आपके ऑपरेटर अगर इस चीज को प्रोवाइड करता है तो वो लीगली इस चीज को कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, आपको एक ब्लैंक सिम लेना होगा, उसके बाद आपको वो सिम लेना होगा जहां पे आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हो। आपको एक सिम रीडर की जरूरत है यहां पे, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है यहां पे। जैसे आप सीडी कॉपी करते हो ना, एक सीडी से रीड करते हो उसके बाद दूसरे सीडी पे राइट करते हो, तो वैसे आपको क्या करना होगा, आपको कार्ड रीडर में वो जो सिम होता है जिसको कि आपको डुप्लीकेट करना होगा वो कार्ड रीडर में आप अटैच कर दोगे। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर के मदद से आप रीड करोगे उनमें IMSI नंबर क्या है, वो की क्या है, वो सब रीड करके आप फिर से वो सॉफ्टवेयर के मदद से आप राइट कर सकते हो, मतलब वो जो ब्लैंक सिम है उसको आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को आप राइट कर सकते हो वो ब्लैंक सिम में। उसके बाद आप अलग अलग डिवाइसेस में एक ही नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आप जब भी देखोगे कॉल आएगा तो कॉल तो हर जगह पे आएगा, लेकिन आप रिसीव जब करोगे एक ही नंबर पे आप रिसीव कर सकते हो, मतलब एक ही डिवाइस पे आप रिसीव कर सकते हो। तो मैसेजेस, कॉल्स वो हर जगह पे आपको दिखाई देने लगेगा जहां पे वो नंबर को इस्तेमाल किया गया है। तो अलग अलग डिवाइसेस में आप सेम नंबर को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो सिम क्लोनिंग की मदद से। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं ये इलीगल है अगर आप अपने ओर से यहां पे कर रहे हो। यहां पे दोस्तों देखिए सामने, अगर मैं आपको बताऊं फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर देखिए सिम कार्ड्स को अभी इलेक्ट्रॉनिकली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड्स भी हमको देखने के लिए मिल सकता है जहां पे फिजिकली आपको यहां पे सिम कार्ड्स की जरूरत नहीं है। आपको आपके ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हो सकता है आपको सेटिंग्स के जरिए आपको अपने मोबाइल फोन में वो दे देंगे, बाद में आप इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हो और वो आइडेंटिफाई
कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स कौन है। यहाँ पे आपको फिजिकली भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्विच करना भी चाहते हो ऑपरेटर, तो ऑपरेटर बस आपको कुछ एक सेटिंग भेज देगा और वहां पे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड और एक लेवल पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे आपको फिजिकली अटैच करने की जरूरत नहीं है आपके डिवाइस पे कोई भी एक सिम कार्ड को। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ई सिम कार्ड अभी कैसे आने वाले टाइम में आते हैं। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया सिम कार्ड्स के बारे में, सिम कार्ड्स काम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड्स क्या होते हैं, क्या सिम कार्ड्स को डुप्लीकेट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो वो कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चला है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।